अजमेर की गीगल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 623 किलो डोडा पोस्ट को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान आरोपी भागने में कामयाब रहे। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार तलाश अभियान जारी है। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली जिसमें पिकअप के माध्यम से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस का जाब्ता पिकअप के पीछे रवाना हुआ तो उसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए भागने का प्रयास किया। इसी बीच वह पलट गई और चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उसमें रखे 623 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। पुलिस कप्तान अजमेर के निर्देशन पर पूरे अजमेर जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, और ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर भी बड़ी कार्रवाई पूरे राजस्थान भर में हो रही है, जिसमें अजमेर जिले में इसी क्रम में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसके हम आज गेगल थाने में भी एक बड़ी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई है, जिसमें हमने एक पिकअप को पकड़ा है जिसमें खल काकड़ों की चूरी की आड़ में डोडा पोस्ट का छिलका बड़ी मात्रा में जा रहा था। लगभग 29 कट्टे हमने पिकअप से बरामद किए हैं। 623 किलो 600 ग्राम इसमें डोडो का छिलका मिला है, जिन्हें डिटेन किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान एसएचओ मांगलेवास को दी गई है, प्रभावी कार्रवाई जारी है।